हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये जो पब्लिक नोटिस आई है कल दैट इज़ नाइन्थ ऑफ नवंबर को आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं इसमें देखो यहाँ चीज़ यह इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज अपडेट कर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि मैम रिकॉर्डेड रिस्पांस नहीं ओपन हो रहा है तो वेट कर लो आज फुल डे में कभी ना कभी वो ओपन हो जाएगा अपडेट हो जाएगा बाकी क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की इन्होंने अपडेट कर दी है अच्छा कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे थे जिसके लिए आप लोग चैलेंज कर सकते हो तो कौन कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो उसके लिए हमने सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर है उस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ देखो ये चीज़ मेंशन किया है कि अगर आपको कोई भी आंसर चैलेंज करना है तो नाइन्थ ऑफ नवंबर से लेकर के इलेवेंथ नवंबर मतलब इन्होंने सिर्फ दो ही दिन का टाइम दिया है कल तक का आपके पास टाइम है अप टू फाइव पीएम तक आपको चैलेंज करना होगा और चैलेंज करने के बाद जो भी नॉमिनल फीस है उसका भी पेमेंट आपको कल तक कर देना है दैट इज इलेवेंथ ऑफ नवंबर तक देखो यहाँ पे मेंशन किया गया कि द तो कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की मे चैलेंज द सेम बाई पेंगीस ऑफ रुपीज टू हंड्रेड पर क्वेश्चन चैलेंज एज अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस अब यहाँ ये चीज़ इन्होंने मैंशन किया कि पर क्वेश्चन आपको टू हंड्रेड का पेमेंट करना पड़ेगा अब देखो प्रोसीजर देख लेते हैं कि आंसर की को चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर है सबसे पहले लिखा है गो टू द आंसर की चैलेंज पेज थ्रू द गिवन लिंक जो लिंक ऊपर दी गई है उसके थ्रू पहले आप आंसर की चैलेंज पे जाओ देन अपने फॉर्म नंबर के थ्रू प्लस डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लॉग इन कर लो यू विल सी अ वेलकम विंडो वेयर यू कैन डाउनलोड योर रिस्पॉन्स एंड एंट्रिम आंसर की फॉर योर कंसर्न सब्जेक्ट वहां से आप अपनी रिस्पॉन्स शीट पहले डाउनलोड कर लो आफ्टर दैट आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या आंसर चूज किया था टू चैलेंज द आंसर की क्लिक ऑन एड चैलेंज अवेलेबल ऑन वेलकम विंडो देखो जब आप की चैलेंज फॉर्म ओपन करोगे ना तो वहाँ देखो सब्जेक्ट आपको मैंशन होगा क्वेश्चन आईडी आपको मेंशन करना होगा फिर ऑप्शन आईडी जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है नेचर ऑफ चैलेंज किस वजह से चैलेंज करो कई बार क्या होता है कि मिस प्रिंटिंग के लिए भी देखना है, इसमें ऑप्शन दिया होगा कि अगर मिस प्रिंटिंग है तो उसके लिए भी आप लोग चैलेंज कर सकते हो रिमार्क्स एंड रेफरेंस फाइल जो भी आप लोग आंसर चैलेंज करोगे उसके लिए आपको रेफरेंस फाइल देनी होगी तो क्वेश्चन नंबर एटी के लिए रेफरेंस हम आप लोगों को मैंशन कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से आप पी डाउनलोड कर लेना देन अगर ऐड करना है मतलब एक क्वेश्चन से ज़्यादा अगर चैलेंज करना है तो ऐड चैलेंज करना फिर सेम ये प्रोसीजर होगा फिल कर देना सारा पॉइंट्स यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट यही चीज़ लिखा है कि आप सिंपली अगर की चैलेंज फॉर्म ओपन करना चाहते हो तो ऐड चैलेंज कर देना ये फॉर्म ओपन हो जाएगा द सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन आईडीज आर अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसा कि हमने बताया कि बस इसको आपको फिल करना होगा और फिल करने में आप अपना जो भी सब्जेक्ट है क्वेश्चन आईडी आंसर आईडी सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा कैंडिडेट कैन राइट रिमार्क्स एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप चाहो तो आप कहीं से रिटर्न डॉक्यूमेंट ना लेकर के खुद से उसका आंसर लिख सकते हो कई बार क्या होता है कि सपोर्टिंग आंसर नहीं मिलता है तो आप खुद से लाइक like, लिख सकते हो कि कौन कौन से उसके मेथड्स हैं कौन कौन से मेथड्स नहीं हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हो बट अपलोड आप किस में करोगे जेपीई और जेपीजी फॉर्म में ठीक है यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है टू मेक न्यू चैलेंज क्लिक ऑन ऐड चैलेंज अगर आपको न्यू चैलेंज करना है मतलब आ, एक और क्वेश्चन ऐड करना है तो ऐड चैलेंज करना और सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना उसके बाद यहाँ देखो यहाँ इसी तरीके से ये दिखेगा कि आपका रोल नंबर क्या है क्वेश्चन आई क्या है ऑप्शन आई क्या है और सबका टोटल पेमेंट आप एक साथ पे कर सकते हो काइंडली पे द फी बाय क्लिक ऑन क्लिकिंग ऑन क्लिक हियर टू पे फीस और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टू हंड्रेड का पेमेंट करना होगा हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर एटी फोर जिसके लिए हम श्योर हैं कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर हम बहुत जल्दी श्योर कर देंगे एक क्वेश्चन जिसमें हमने बताया कि मैनेजमेंट लिखा है बल्कि उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक question, तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसीजर था कि कैसे आप अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो स्टिल अगर कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो रिस्पॉन्स शीट आपकी ना ओपन हो रही हो तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है वेबसाइट भी दी गई है आप कहीं पर भी इनसे हेल्प ले सकते हैं सिंपली आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना दो तीन बार कॉल करना कभी ना कभी ये फ़ोन रिसीव करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देंगे बट क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का शीट नहीं ओपन हो रहा है तो आज फुल डे आपके पास है आप वेट कर लो आज पूरे दिन में कभी ना कभी आपकी रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगी स्टिल अगर कोई भी डाउट हो आपको इस प्रोसीजर में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड फर्दर अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सके डिटेल डिस्कशन सेशन अभी हमने अपलोड नहीं किया है हमने सिर्फ और सिर्फ वो आंसर्स ही डिस्कस किए हैं जिसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो या जो थोड़े बहुत डाउटफुल थे अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच